नमस्ते, नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग कोरोना वायरस का जल्दी शिकार हो रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों अपने संबोधन में लोगों को कहा कि वे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी का अर्थ है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसलिए शरीर को रोगों से लड़ने के लिए इसकी इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद जरूरी है। खान पान की चीज़ों के द्वारा ही इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। अभी तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के आए मामलों में यही सामने आया है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको अपने खान पान की आदतों में थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएँ और कैसे खाएँ। इस बारे में जानकारी देने के लिए तो चलिए जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं और कैसे खाएं। विभिन्न डॉक्टरों द्वारा बताए अनुसार इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद अदरक, लहसुन, तुलसी, पालक, बादाम, हल्दी, पपीता, नारियल का तेल, योगर्ट, ग्रीन टी आदि का सेवन इसमें आपकी मदद कर सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादातर बीमारियों में मरीजों को खट्टे फलों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है। विटामिन शरीर में बलगम को घटाता है और शरीर को रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित करता है। खट्टे फलों में अंगूर, संतरा, नींबू आदि प्रमुख है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको रोजाना फलों का सेवन करना चाहिए, ताकि अगर गलती से आप कोरोना वायरस का शिकार हो जाएं तो कम से कम इससे लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार रहे। तो दोस्तों, ये थी इम्यूनिटी बढ़ाने की महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही ढेर सारी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।